मार्च रैली निकाले जा रही है, उन मार्चिस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, हम पिछले 8 महीने से तो सड़कों पे ही और बार बार यही बोल रहे हैं कि कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, हम वहाँ पे सेफ नहीं है, वहाँ पे माइनॉरिटी सेफ नहीं है। उसका ये जीता जाता उदाहरण अभी हम सबने देखा राजौरी में, जैसे हिंदुओं का नाम उनके आधार कार्ड देख के उनको मारा गया, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास और क्या होना चाहिए? वहाँ पे दो बेचारे मासूमों की जाने गई है, जिन बेचारों को तो पता ही नहीं कि हम क्यों मारे गए, तो इससे शर्म की बात इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को जाग जाना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, हमारे स्टेट में चल क्या रहा है। इस पे एलजी साहब इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते हैं, उनके लिए जिन्होंने ये एलजी साहब ने स्टेटमेंट रिसेंटली दिया था कि इन चीजों को धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, तो उनके लिए करारा जवाब है जो राजौरी में हुआ है। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने स्टेटमेंट के लिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने ये काम सबसे पहले किया है, और उन्हें समझना चाहिए कि जान की तुलना आप पैसे से नहीं कर सकते। एक घर का चिराग बुझ जाता है, एक घर का बच्चा मर जाता है, और आप उसके घर जाके 10 लाख रुपए देंगे, नौकरी देंगे, आपकी नौकरी